नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल टीचर में। दोस्तों, जैसा कि आपने लोगों में देख ही लिया है कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो शाला दर्पण पर विभिन्न तरह की जो समस्याएं आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं किसी प्रकार का आपको करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपके जहन में जितने भी तरह के प्रश्न है शाला दर्पण को लेकर, चाहे NSO स्टूडेंट है उसका एडमिशन किस प्रकार करना है, एडमिशन बच्चे की TC कट गई है तो किस प्रकार है दोबारा एडमिशन करना है, या TC में संशोधन किस प्रकार करना है। तो दोस्तों, सिवीरा ने एक अपना प्रश्न बुकलेट जारी की है सिवीरा ने, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसमें सभी प्रश्नों का समावेश है, आप देखेंगे एक एक प्रश्न को तो आपके जहन में सभी सवाल है उन सभी का जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक और बात, अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न भूलें। इससे मोस्टली बेनिफिट आपको यह रहेगा कि आगे आने वाले हर एजुकेशन संबंधी वीडियो की न्यूज़ आप तक सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने वीडियो की। शाला दर्पण के संबंधी जितनी प्रकार की समस्याएं हैं, तो सिवीरा जो आप सभी जानते हैं, सिवीरा क्या है, एक पुस्तक आती है जो टीचर रिलेटेड है। अब उस सिवीरा में एक अपनी एक बुकलेट जारी की है जिसके अंतर्गत शाला दर्पण की सभी समस्याओं का समावेश किया गया है। तो क्या है वो बुकलेट, किस प्रकार हम जानेंगे इसके वीडियो में, तो बताते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बाई सिवीरा द्वारा प्रकाशित है, और वो सिवीरा की जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों देखिए, ये है वो बुकलेट जो सिवीरा द्वारा जारी की गई है, जिसमें शाला दर्पण सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू शाला दर्पण, शाला दर्पण से रिलेटेड जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उन सभी का समावेश यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहली जो समस्या यहाँ पे है, प्रश्न नंबर एक, मैं आपको ऑनलाइन ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए प्रश्न वन, शाला दर्पण पर CWSN वाले बच्चों की एंट्री कहाँ होगी जबकि छात्र पूर्व कक्षाओं में अध्ययनरत है। अब शाला दर्पण के किस मॉड्यूल में कहाँ पर एंट्री करनी है? तो दोस्तों, इसके लिए मैंने वीडियो भी जारी किया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। उससे पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। स्टूडेंट टैब में, शाला दर्पण के स्टूडेंट टैब में जब आप जाओगे तो विद्यार्थी प्रपत्र 9 भरना है आपको। उसके अंदर CWSN को यस करने पर CWSN के प्रकार फीड का ऑप्शन प्राप्त होगा, इस मॉड्यूल में प्रविष्टि की जाएगी। तो इसका मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों, ये रॉयल टीचर की प्ले लिस्ट में आप जहाँ का शाला दर्पण पर जाएंगे रॉयल टीचर के, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आपको जाना है YouTube पे, YouTube पे जाके रॉयल टीचर लिखोगे तो आपको सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर कई तरह के ऑप्शन आएंगे, यहाँ वीडियो में वीडियो नज़र आएगा, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट नज़र आएगी, तो प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट में यहाँ कई तरह के प्लेलिस्ट है, जिसमें UDI से संबंधित वीडियो है, रॉयल टीचर है, पे मैनेजर है, शाला सिद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर है, NPS है, 5वीं और 8वीं बोर्ड से संबंधित है, SIPF है, और यहाँ पे शाला दर्पण जो लिखा है इसको ऑन कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो शाला दर्पण पर जितने तरह के वीडियो है वो सभी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये CWSN का भी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा शाला दर्पण पर CWSN विद्यार्थियों एंट्री किस प्रकार करें। अगला जो प्रश्न आता है वो है, क्या कक्षा 1 से 7 किसी विद्यार्थी को उसी कक्षा में रिपीट किया जा सकता है? तो उत्तर है जी हाँ, किया जा सकता है, यानी आप रिपीट कर सकते हैं। इसके लिए अभिभावकों की सहमति पत्र लें और रिजल्ट एंड प्रमोशन पर क्लिक कर स्टूडेंट को जिनको रिपीट करना है उनके नाम के आगे प्रमोट की बजाय रिपीट को चुनें और सेव कर दें। इसका भी वीडियो है दोस्तों, ये रहा दोस्तों ये वीडियो, रिजल्ट एंड प्रमोशन, यहाँ पे आपको रिपीट करवा कर पूरी तरह से दिखाया जाएगा, ये आप खोल कर देख लीजिए। अगला जो प्रश्न आता है वो है, एक छात्र की शाला दर्पण पर TC काट दी गई लेकिन उसमें थोड़ी त्रुटि रह गई है, अब कैसे सही करें? तो दोस्तों, ये TC एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होना नहीं होनी चाहिए। एक बार शाला दर्पण से TC कटने के बाद इसमें संशोधन संभव नहीं है, और भूलवश भी कोई गलती रह गई हो तो ऐसे विद्यार्थियों को जारी ओरिजिनल TC को प्राप्त करके TC की फ़ोटो लेकर, ये रमसा की Gmail ID दी गई है पर, मेल करके TC कैंसिल हेतु निवेदन करना है। TC कैंसिल होने की संशोधन कर TC जारी करें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नोट विशेष है, शाला दर्पण पर किसी भी संशोधन के लिए विद्यालय लेटर पैड पर लिखकर ये Gmail ID पर मेल करें। अगला जो प्रश्न आता है वो है, शाला दर्पण पर NSO किए गए किसी विद्यार्थी का पुनः प्रवेश उसी दिनांक को किस प्रकार किया जा सकता है? यानी किसी विद्यार्थी को हमने NSO कर दिया है तो पुनः उसी को प्रवेश दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, किसी विद्यार्थी को NSO
करने के बाद यदि हमें लगे कि विद्यार्थी त्रुटिवश NSO हो गया है अथवा विद्यार्थी के प्रपत्र 5 और 9 में संशोधन करना शेष रह गया है अथवा वर्तमान सत्र से पिछले सत्र में विद्यार्थी का रिजल्ट एंड प्रमोशन करना भूलवश रह गया है अथवा विद्यार्थी से संबंधित ऐसा कोई अपडेशन जो NSO करने से पहले होना चाहिए था वो बाकी रह गया है, तो उपयुक्त इन सभी परिस्थितियों में विद्यार्थी को पुनः नियमित करने के लिए लगातार अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक मॉड्यूल से पुनः नियमित करें विकल्प का चयन करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसी सत्र में पुनः नियमित हो सके जिस सत्र में उसे NSO किया गया था और जरूरी शेष अपडेशन के बाद फिर से NSO किया जा सके। नाम पृथक पुनः प्रवेश मॉड्यूल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ उसी दशा में किया जाना चाहिए जब किसी NSO विद्यार्थी को वर्तमान सत्र में उसकी NSO वाली कक्षा में पुनः प्रवेश दिया जाना हो। अगला जो प्रश्न आता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि किसी छात्र की शाला दर्पण पर टीसी गुम होने पर किसी छात्र को अधिकतम कितनी बार टीसी जारी की जा सकती है, यानी एक छात्र की हमने टीसी जारी कर दी, वो किसी कारणवश उसने गुमा दी है, गुम हो गई टीसी, तो अधिकतम कितनी बार टीसी जारी की जा सकती है और ये कहाँ से प्राप्त होगी। अच्छा प्रश्न है, ओरिजिनल टीसी एक ही बार जारी की जाती है, इसके बाद आवेदनकर्ता के शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट टीसी जारी कर दी जाती है, उस शपथ पत्र को SR रजिस्टर में डालकर डुप्लीकेट टीसी की एंट्री की जाती है, इसके बाद तीसरी बार टीसी जारी नहीं की जा सकती, यानी 2 बार टीसी जारी हो सकती है, केवल एक प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं कि आवेदनकर्ता ने निम्न वर्ष में निम्न एग्जाम पास की, शाला दर्पण में रिपोर्ट टैब पर क्लिक कर टीसी पर क्लिक करें और SR नंबर डालकर सर्च करें, वहां काटी गई टीसी की डिटेल होगी और उसमें लास्ट में डुप्लीकेट टीसी काटने की डेट डालें और सेव करें, फिर से स्टूडेंट के नाम पर क्लिक करें और टीसी प्रिंट हो जाएगी आपकी। आगे प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा 10 में पूरक आया है, अब वह पूरक परीक्षा देना नहीं चाहता तथा विद्यालय से टीसी की मांग कर रहा है, बिना पूरक परीक्षा परिणाम अपडेट की विद्यार्थी की टीसी किस प्रकार दी जा सकेगी, तो इसका है कि रिजल्ट एंड प्रमोशन में जाकर वहां पर आपको फेल विथ सप्लीमेंट्री कर सेव करें, तत्पश्चात टीसी जनरेट करें। अगला प्रश्न जो हमारे सामने खुलकर आता है वो ये है कि नव प्रवेशित विद्यार्थी की गलत कक्षा में प्रविष्टि हो जाने पर कंफर्म कर दिए जाने के बाद किस प्रकार संशोधन हो सकता है, यानी अगर किसी बच्चे की हमने प्रविष्टि गलत कर दी है, वो प्रवेश कक्षा 1 में लेना चाहता था हमने 2 में कर दिया है भूलवश, या 2 में लेना चाहता था हमने 3 में कर दिया, ये 1 में कर दिया है, अगर इस तरह की कोई हम गलती हो जाती है और हमने उसको कंफर्म भी कर दिया है, आप जानते हैं कि कंफर्म करने के बाद उसका एडमिशन हो जाता है, तो किस प्रकार संशोधन हो सकता है दिखा देते हैं आपको। शाला दर्पण पोर्टल के विद्यार्थी मॉड्यूल में लगातार अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक का चयन करें। सबसे पहले विद्यार्थी मॉड्यूल में नाम पृथक के लॉन्ग अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक का चयन करें। SR क्रमांक में जाकर गलत प्रविष्टि के कारण नाम पृथक ऑप्शन के नाम से पृथक कर नवीन कक्षा में प्रवेश करें। अब समान SR नंबर से सही कक्षा में नव प्रवेशित विद्यार्थी की प्रविष्टि सही करें, अर्थात आप टीचर ये और ये विद्यार्थी मॉड्यूल में जाकर अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक का चयन करें, उसके बाद SR रजिस्टर में जाकर गलत प्रविष्टि जो हुई है उसके आगे गलत प्रविष्टि के कारण नाम पृथक ये लिखेंगे, उसके बाद समान SR यानी वही SR जो पहले जारी हो चुके हैं उस बच्चों को सब समान SR से सही कक्षा में नव प्रवेशित विद्यार्थियों की तरह प्रविष्टि करें। और नोट लिखा है, यदि प्रवेश शाला दर्पण की ऑनलाइन टीसी के माध्यम द्वारा गलत कक्षा में प्रवेश करने पर संशोधन विद्यालय लॉगिन से संभव नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों, यदि प्रवेश शाला दर्पण की ऑनलाइन टीसी के माध्यम द्वारा गलत कक्षा में प्रवेश करने पर संशोधन विद्यालय लॉगिन से संभव नहीं है, इस प्रवेश को कैंसिल करने के लिए ये जो मेल ID दी गई है राज रमसा की पर रिक्वेस्ट भेजें, ऑनलाइन टीसी की कॉपी भी भेजें, प्रवेश कैंसिल होने के बाद पुनः ऑनलाइन सही कक्षा में प्रवेश देवें, ठीक है, ये आप Gmail ID है लिख लीजिए। ये दोस्तों एक विषय की समय सारणी है, यानी एक प्रश्नों की समय सारणी बनाई गई है, जो शाला दर्पण पर हमारे सामने समस्याएं आती है उसकी एक समय सारणी है। अगला जो प्रश्न आता है, प्रमोन्नत करने के पश्चात भी विद्यार्थी का नाम गलत कक्षा में प्रदर्शित हो रहा है, विद्यार्थी को अपनी सही कक्षा में किस प्रकार ला सकते हैं,
हमने क्रमोन्नत भी कर दिया, प्रमोट कर दिया है, फिर भी गलत कक्षा में शो हो रहा है, इसका क्या कारण है, कैसे सही कर सकते हैं? तो देखिए, इसे तो शाला दर्पण पोर्टल के विद्यार्थी जो टैब है, विद्यार्थी टैब में जाकर रिजल्ट एंड प्रमोशन में पूर्व कक्षा में जाकर सर्वप्रथम कैंसिल प्रमोशन के द्वारा प्रमोशन कैंसिल करें, इसके बाद विद्यार्थी को पुनः प्रमोट करें। बिल्कुल सिंपल और सीधा सा तरीका है। रिजल्ट एंड प्रमोशन में जाकर आप प्रमोट कर दी, पहले प्रमोशन को कैंसिल कीजिए, दोबारा प्रमोट कर दीजिए, तो वो दोबारा आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इसी तरह के कई सारे प्रश्न यहाँ आपको मिल जाते हैं, जिसे आप शाला दर्पण को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो ये अगर मैं वीडियो बनाने बैठ जाऊँ तो पूरा दोस्तों आज के वीडियो में नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इस वजह से मैं आपको दे देता हूँ इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसका लिंक, जहाँ पर आप खोल कर इसको देख पाओगे। यहाँ पे आपको मिल जाती है फ्री टेक्स्ट बुक्स की एंट्री, शाला दर्पण पर कैसे करें, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। और इसके अलावा ढेर सारे प्रश्न है, जैसे विद्यार्थी की कक्षा 9 की मार्कशीट में विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि में संशोधन किस प्रकार संभव है, तो यहाँ पर भी उसका आंसर दे रखा है। यानी कई तरह से यहाँ पे प्रश्न मौजूद है जो शाला दर्पण को पूर्ण रूप से समझने में आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न भूलें।